सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। पिछली क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था रोल ऑफ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के रोल्स, और हमने पढ़ा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं स्मॉल बिजनेसेस। तो हमने उसमें पढ़ा था कि स्मॉल बिजनेस ये 10 तरह की प्रॉब्लम फेस करती है। ये तो अभी बहुत मेन मेन प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं स्मॉल बिजनेसेस। तो वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिसमें इस तरह की स्मॉल बिजनेसेस को मदद की जाए, ठीक है, और काफी यूजफुल भी रहा है। क्योंकि स्मॉल बिजनेस को अगर गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी ना तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे कई वजह है, हमने प्रॉब्लम्स में पढ़ा कि किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियां इनको वायलेट करती हैं, किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी कोई नहीं चाहेगी कि स्मॉल बिजनेस अच्छा करे क्योंकि उसके प्रॉफिट के मार्जिन को ये कम करा देगी, ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स लोग यूज करेंगे। तो इसीलिए बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बड़े कॉशियस होती है व्हेन इट कम्स टू कम्पीटिंग विद स्मॉल इंडस्ट्री। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इनको असिस्ट करती है। अब कैसे असिस्ट करती है, आज वही हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहला जो असिस्टेंस है गवर्नमेंट का वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपने सुना होगा नाबार्ड, सुना है, आपने पढ़ा भी होगा 10th में, कभी 9th में या 10th में इसके बारे में, नहीं? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया स्टूडेंट्स कि इसके लिए नाबार्ड को लेके आए। इसमें क्या किया, इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो मुंबई में, इसकी बिल्डिंग आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो ये है इसकी बिल्डिंग। आप मुंबई में जाओगे तो कभी ना कभी आपको ये दिखेगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में इसको सेटअप किया गया था 1982 में, ठीक है। किस लिए किया गया था, रूरल डेवलपमेंट के लिए किया गया। गवर्नमेंट जानती थी कि ये प्रॉब्लम आएगी स्मॉल बिजनेसेस को, तो उसने क्या किया कि एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को बनाया और उसको सेटअप कर दिया 1982 में। और इसमें ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्री, जितने भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है ना उनको पैसा देने का काम करता है, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो या विलेज इंडस्ट्री हो या आर्टिसंस हो। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आर्टिसंस इतने पैसे वाले नहीं होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो अपना पैसा लगाते हैं। तो ये जो बैंक्स होते हैं ना नाबार्ड, ये उनको फाइनेंस देते हैं। अगर मान लो किसी आर्टिसन को पैसे की जरूरत होगी तो ये उसको प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंस, और सस्ते रेट पे कराते हैं, लोन का जो इंटरेस्ट होता है बहुत कम होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। फिर एक और काम करता है ये बैंक, ये क्या करता है, ऑफर करता है काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस। काउंसलिंग बेसिकली क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, चाहे वो विलेज इंडस्ट्री हो चाहे कॉटेज इंडस्ट्री हो, तो उसको ये लोग एक तरह से काउंसलिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कॉटेज इंडस्ट्री बोल सकती है कि भाई देखो हमारे पास रॉ मटेरियल सही से नहीं आ रहा है, हमारे पास वर्कर्स ट्रेंड नहीं आ रहे हैं, क्या करें, कैसे ट्रेनिंग दें, हमारा खर्चा बहुत लग रहा है। तो काउंसलिंग की जाती है कि ऐसे ऐसे करोगे तो आप इतने खर्चे अपने बचा सकते हो, ऐसे करोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है। तो दोनों चीजें हैं, काउंसलिंग में उनकी बात सुनी जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है और फिर उनको कंसल्ट किया जाता है। अभी भी ये लोग पूछ सकते हैं, अपनी सर्विसेज ले सकते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह के जो बैंक्स होते हैं ना, इसमें मैनेजमेंट काफी अच्छा रखा गया होता है इसी काम से रिलेटेड, तो उन लोगों को काफी नॉलेज होती है, तो वो इनको कुछ टिप्स देते हैं या कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो ये लोग ध्यान रखेंगे तो इनको अच्छा खासा फायदा होने लगेगा। फिर एक और आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप देखो ये लोग क्या करते हैं, जो रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योर्स है ना, जो अपने पैसे लगा के बिजनेस शुरू करते हैं स्मॉल बिजनेस, उन लोगों को ट्रेनिंग देने का, डेवलपमेंट देने का काम करते हैं। तो ये जो नाबार्ड है बैंक, ये ट्रेनिंग देने का भी काम करता है, ठीक है, ये ट्रेन करता है, डेवलप करता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आता है जिससे कि कोई मालिक है, कोई बिजनेस चला रहा है अपना स्मॉल इंडस्ट्री गांव में, रूरल एरिया में, तो उसको मदद कर। ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? हाँ या ना बताओ? Yes, sir. तो पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट कैसे असिस्ट करती है। आप सीधा लिख दोगे कि गवर्नमेंट ने नाबार्ड बनाए, इसको सेटअप किया 1982 में और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और ये क्या काम करता है स्मॉल इंडस्ट्री को, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, आर्टिशंस, इनको पैसा प्रोवाइड कराता है। फिर दूसरा काम करता है काउंसलिंग करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, फिर ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी उनको प्रोवाइड कराता है। नंबर टू, दूसरा असिस्टेंस कैसे करता है, दूसरा असिस्टेंट करते हैं रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर।
इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस तरह के ना डेवलपमेंट सेंटर्स खोले हुए हैं। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया गया था कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना उनको हेल्प करने के लिए किया जाता है। इसको स्पॉन्सर, इसका जो भी खर्चा आता है ये सारा का सारा खर्चा नाबार्ड खुद भरता है। तो इसकी जो स्पॉन्सरशिप होती है इसका, जैसे एडवर्टीजमेंट करना या इस तरह से, सारा का सारा नाबार्ड भरता है। नाबार्ड कौन है, फुल फॉर्म बताओ नाबार्ड की, अभी तो बताया मैंने, जो बच्चा ध्यान से। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये स्पॉन्सरशिप करता है इसकी, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स की। अच्छा, इसमें फिर आता है गिविंग मैनेजमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरिया। इसका काम क्या होता है, जो रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं कि ये टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। जैसे मान लो आप कोई बिजनेसमैन हो और गांव में आपने रूरल एरिया में स्मॉल बिजनेस शुरू किया, मान के चलते हैं कि आपने क्या किया, माइक्रो बिजनेस शुरू किया, तो माइक्रो बिजनेस में कितने पैसे लगते हैं, याद है चार्ट, चार्ट दिखाऊं, 1 करोड़, ये देखो, तो 1 करोड़ से कम। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो 1 करोड़ से कम, और अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो तो 5 करोड़। तो अगर आप मान लो माइक्रो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो आपको ये वाला जो हेल्प है, जो ये सेंटर हेल्प प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन है तो आपको 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं या उससे कम करते हैं तो आप स्मॉल की कैटेगरी में आएंगे, तो आपको ये बेसिकली मदद करेगा, ठीक है, आपको ये सीधा सीधा मदद करेगा, आपको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, हेल्प करेगा कि आपको ये ओवरकम कर सको इन सब सिचुएशन। फिर एक और है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स ऑन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अपग्रेडेशन, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सब कराते हैं। तो ये लोग ना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसके अंदर ना अपग्रेडेशन का काम करते हैं, स्किल को अपग्रेड करने का काम करते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारा का सारा काम ये लोग करते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो नाबार्ड भी कर सकता था ना, तो नाबार्ड अकेला कितना करेगा, नाबार्ड के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग सेंटर्स ओपन किए जाते हैं और उसको स्पॉन्सरशिप करा दिया जाता है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से। तो वही हुआ है यहाँ पे, स्पॉन्सर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ यही संभालेगा, ये सिर्फ उसका एडवर्टाइज करेगा और जो मेन जो चीजें होंगी उस पे इसका ध्यान रहेगा, अदरवाइज सारा का सारा काम जो है रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर अपने लेवल पे करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए दो चीज। तीसरा आता है जो गवर्नमेंट मदद करती है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, NSIC। अगर आप देखो NSIC, इसके बारे में आप अगर पढ़ोगे ना, तो NSIC जो है इसको सेटअप किया गया था 1955 में। क्यों सेटअप किया गया था, इसको इसलिए सेटअप किया गया था कि ये प्रमोट कर सके और ग्रोथ को बढ़ा सके। किसके ग्रोथ को बढ़ा सके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को। तो जो छोटी मोटी बिजनेसेस होती है ना उनको बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, और गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि ये जो है स्पेसिफिकली बनाया इसीलिए गया था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको तेजी से ग्रोथ कराए, उनको तेजी से आगे पहुंचवाए। ये क्या करती है, सप्लाई ऑफ इंडिजिनियस एंड इंपोर्टेड मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस। अब आपको पता है कि जो छोटी मोटी बिजनेसेस होती हैं, जो स्मॉल बिजनेस है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इम्पोर्ट कर सके मशीन, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। तो अगर ये इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर ये लोग कम्पीट कैसे करेंगे मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ। तो ये क्या करता है, स्मॉल नेशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है ये सीधा सीधा ना उनको मशीन जो है हायर परचेज बेसिस पे दे देता है। हायर परचेज बेसिस कौन मुझे बताएगा क्या होता है, हाँ जी स्टूडेंट्स बोलो, किसी को नहीं पता, तो जो हाई मतलब हायर से, हाँ, क्या बोला, मैं कह रहा हूँ हाँ हायर परचेज बेसिस पे देता है, इसका मतलब समझते हो या बताऊं, सर आप बता दो। देखो ऐसा है ना कि जैसे एग्जांपल से बता रहा हूँ, सपोज करो आपने एक बिजनेस शुरू किया लेकिन आपको मशीन खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकती हो कि मशीन को खरीद लो और किस्तों में पे कर दो, तो उसी को हायर परचेज बोलते हैं। आपने मशीन खरीद लिया, अब मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, उस मशीन से जो भी कमाई होगी उसकी किस्त बन जाती है, मान लो 10 किस्त बन गई, आपने मशीन खरीदी 10 लाख की, इतना पैसा नहीं है आपके पास, तो आपने क्या किया, मशीन 10 लाख की खरीद ली, लेकिन आपको 10 लाख नहीं देने पड़ेंगे, किस्त में पैसे देने पड़ेंगे, हर साल 1-1 लाख देते रहो 10 साल तक। तो ये काम तो कर सकती हो ना, यस सर। तो वही चीज बोला गया है इसमें,
जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है ये क्या करता है, इसने क्या किया कि क्योंकि स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा नहीं है, तो इसने ना उनको इम्पोर्ट कर लिया मशीन और हायर बेसिस पे प्रोवाइड करा दिया। उनको बोला कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप मशीन ले लो, इसका इस्तेमाल करो और इससे जो भी कमाई होगी उसमें से हिस्सा इस मशीन का देते रहना, इससे आपके ऊपर वर्कलोड भी नहीं होगा और मशीन नहीं आ जाएगी आपके पास। तो इससे बहुत हेल्प मिली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन यही काम करता है, जब भी स्मॉल बिजनेसेस को ज्यादा मशीन की जरूरत पड़ती है खास करके विदेश वाली, तो उनको ये इम्पोर्ट कर देता है और इम्पोर्ट करा देता है और हायर परचेज सिस्टम बना के और उनको सस्ते रेट पे प्रोवाइड करा देता है। तीसरा जो है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एक्चुअली होता है क्या है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं इनके पास रॉ मटेरियल जल्दी से प्रोवाइड नहीं हो पाता, एक तो वहाँ पे रोड अच्छा नहीं होता, फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती है, और मल्टीनेशनल कंपनी उनको बहुत ज्यादा थोक में खरीद लेती है। तो इसीलिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन क्या करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है इन लोगों को इजीली। ठीक है, एक और काम होता है कि सपोर्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई स्मॉल बिजनेस सामान को एक्सपोर्ट करना चाहती है तो आपको भी पता है उसके पास इतना फंड अवेलेबल नहीं होता है कि वो ऐड कर सके या इस तरह से, तो ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल उसको मदद करता है एक्सपोर्ट कराने में। वहाँ के बैंक से बात करेगा, वहाँ के कस्टमर से बात कराएगा, वहाँ उसको इसको मतलब काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है जिससे कि यहाँ का बनाया हुआ सामान विदेशों में भेजा जा सके। मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कॉटन इंडस्ट्री है या आर्टिसंस हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से बनाई आता है, रॉ मटेरियल अगर उनके पास हो तो अच्छे से वो सामान बना के बाहर विदेशों में भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। ये उनको मदद करता है एक्सपोर्ट करने में। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट सबको सर? हाँ सर, जो आपने हायर परचेज बेसिस बताया वो सर क्रेडिट परचेज से कैसे डिफरेंट है? देखो क्रेडिट परचेज आप उधार खरीदती हो और उसका पेमेंट देती हो, लेकिन हायर परचेज में ना किस्त बनाई जाती है। वहां पे हो सकता है कि आपको आधा पैसा लमसम एक ही बार ले लें, ये थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देते हैं, आप सामान को इस्तेमाल करो और उसको अगर आप पैसा कमा रही हो तो ठीक है, लेकिन अगर इन केस सपोज करो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ और आप पैसे पे नहीं कर पाए तो वो जो एसेट है वो लोग वापस ओवरकम मतलब उसको टेक ओवर कर ले। क्रेडिट परचेज होता है उधार खरीदना और हायर परचेज थोड़ा सा इसमें अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इसमें उसकी किस्त आसान रेट पे बना के दे दी जाती है। यस सर, ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन बस इसमें थोड़ा सा ये होता है कि क्योंकि ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कराती है तो काफी सस्ते रेट में कराती है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसीजर भी काफी ईजी होता है, मशीन के हिसाब से उसमें डेट टाइमिंग वगैरह फिक्स किया जाता है, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसके हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पे फ्लक्चुएशन भी होता है, थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू अदर, उसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तब भी आपको हर हालत में देना ही देना। हायर परचेज सिस्टम में थोड़ा सा ईजी इसलिए हो जाता है कि आपको एक ही बार में सारा पैसा नहीं देना। ठीक है, हाँ बोलो। इसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता होगा ना? हाँ वो तो है, वो किस्त में ही जोड़ के बता दिया जाता, लेकिन बैंक जैसे देता है ना तो बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। ये लोग नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इस तरह से नहीं करती है। इसका मेन क्या होता है कि जैसे मान लो 1 करोड़ की मशीन है तो 1 करोड़ की मशीन की किस्त अगर 10 किस्त बनाएगी तो हर साल 10-10 लाख बोल देगी उसको कि आप हर साल 10-10 लाख दे दो बाकी हम खर्चा अफोर्ड कर लें। ठीक है, तो ये भी हो जाता है, वो तो डिपेंड करता है कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल किस तरह से प्रोवाइड करती है, बट जितना मुझे नॉलेज है ये काफी सस्ते रेट में प्रोवाइड कराते हैं एज कम्पेयर टू द बैंक्स, बहुत सस्ते रेट में। कई बार तो ऐसा भी होता है मदद करने के लिए गवर्नमेंट भी बोलती है कोई बात नहीं 1 करोड़ की मशीन है 10 किस्तों में आप पूरे 1 करोड़ ले लो, बाकी का जो आपको नुकसान होगा वो हम पे कर देंगे लमसम, पैसा तो पूरा 1 करोड़ दे ही देना है उसने, तो इसमें इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है मतलब ना के बराबर। ठीक है, Yes, sir. अच्छा एक और चीज है मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। देखो ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं मतलब देखभाल करते रहते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इन्होंने आप खुद ही सोचो अगर आप कोई नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री हो और आपने उनको हायर परचेज पे मशीन दे रखी है 1 करोड़ की और आपने किस्त बना रखी है कि 10 साल में आपको लौटाना है, तो आपको चिंता नहीं होगी कि स्मॉल स्केल अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि अगर स्मॉल स्केल बिजनेस अच्छा नहीं कर रही होगी तो आपको भी रिस्क है 10 साल के बाद आपको पैसे रिकवर होने में दिक्कत हो जाएगी सीधा सीधा। तो इसीलिए
ये लोग मॉनिटर करते रहते हैं और एडवाइस देते रहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, ये लेटेस्ट सर्विस प्रोवाइड करा, ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर, ठीक ठीक है। तो ये काम, हाँ बोलो सर, जब ये मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज देती है तो सर इसको प्रॉफिट कैसे होता है इस कॉर्पोरेशन को? देखो ये तो गवर्नमेंट ने इसको बनाया ना, गवर्नमेंट इसको फंड करती है, इसको प्रॉफिट होता है थोड़ा मोड़ा। जैसे मान लो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पहले इसने हायर परचेज पे मशीन प्रोवाइड करा दी, तो अभी क्या है, गवर्नमेंट इसको फंडिंग करती है, गवर्नमेंट इसको काफी हेल्प करती है। गवर्नमेंट जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, उस पैसे से गवर्नमेंट इनको मदद तो करनी पड़ेगी ना, ये बात तो क्लियर है। इसमें आप फायदा नहीं देख सकती, थोड़ा मोड़ा इनको फायदा तब होता है जैसे मान लो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अच्छा करने लगेगी तो वो गवर्नमेंट को टैक्स भी देगी। इमेजिन करो एक छोटी बिजनेस जो बहुत सारा काम करा रही है गांव में, तो उससे लोग रोजगार होगा, तो रोजगार होगा तो लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा, सामान का जो प्रोडक्शन है, सेल्स, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, ये तेजी से बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को जीएसटी के थ्रू पैसा जाएगा तो सही। कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल खरीदेगी तो जीएसटी तो पे करेगी ना, और जो भी कस्टमर उसको यूज करेगा वो भी जीएसटी पे करेगा, तो गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली टैक्स तो जा ही रहा है। समझे कि नहीं आप? यस सर। तो इससे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो गवर्नमेंट को फायदा है। हाँ, अब कौन पूछ रहा है बेटा, बॉयज में से कोई पूछ रहा था? सर ये फुल्ली गवर्नमेंट है। देखो देखो, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है ना, ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, और आपको पता है कि गवर्नमेंट अपने फंड लगा के सेटअप करती है और आगे चल के इससे फायदा भी होता है गवर्नमेंट को। शुरू में ये मदद देते हैं, जब स्मॉल बिजनेस जब बड़ी बिजनेस हो जाती है तो मदद बंद कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखो इतनी सारी कंपनियां हमारे कंट्री के अंदर, अगर मान लो कोई स्मॉल बिजनेस और अच्छा करके बड़ी बिजनेस बन गई तो आगे चल के आने वाले टाइम में टैक्स भी देगी, स्मॉल बिजनेस भी टैक्स पे करती है, तो गवर्नमेंट को तो घाटा है नहीं मेरे ख्याल से, गवर्नमेंट को तो फायदा ही फायदा है। और गवर्नमेंट के लिए ये भी फायदा होता है कि जॉब ओरिएंट होते हैं, तो जॉब, लोगों को जॉब मिलेगा तो इनडायरेक्टली अगर आप देखो, लोगों को जॉब मिलेगा तो फिर कंट्री का ही इनकम बढ़ेगी। गवर्नमेंट के लिए जो प्रेशर होता है कि भाई जॉब दो, अनएम्प्लॉयमेंट, वो ओवरकम हो जाएगा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का अपना भी फायदा है इसमें, है कि नहीं? स्टूडेंट्स? यस। अच्छा एक और चीज है इसमें, अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है ना, ये अवेयर करता है, किसको अवेयर करता है, जो स्मॉल बिजनेसेस होती है उसके ओनर को अवेयर करेगा, वहां के मैनेजमेंट को अवेयर करेगा कि अगर आप नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो आप और आगे बढ़ सकते हो। आप बेसिकली देखो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आती जा रही है, तो अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लागत भी कम आएगी, आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे, तो इससे जो है, इसीलिए जो स्मॉल, जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, ये मदद करता है, इन लोगों को अवेयर कराता रहता है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये देखो ये टेक्नोलॉजी में ऐसा फायदा है, ये फायदा है, तो उनको अपडेट कराता है। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ये टेक्नोलॉजी हम खरीदेंगे तो कितने की पड़ेगी, वो बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए खरीदवा दूंगा, आप बस किस्त में पैसा बांध दो और इसको देते रहना, टेंशन मत लीजिए। तो वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और इन लोगों को भी फायदा होता है क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत तो मार्जिन रखते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम बटैया में दे देंगे, तो थोड़ा बहुत उनसे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं बाद में, ठीक है, क्लियर है? यस सर। और एक और आता है, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर। ये लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इनके पास होती है और ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का भी काम करते हैं। जैसे मान लो इनके पास कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो वो टेक्नोलॉजी उनको भी दे देते हैं, किनको, स्मॉल बिजनेसेस को, जिससे कि स्मॉल बिजनेस उस टेक्नोलॉजी को यूज करके और अच्छा कर सके, ठीक है। अब जैसे मैं एक सिंपल सा बताऊं, जैसे मान लो मुर्गी पालन है, तो मुर्गी पालन में टेक्नोलॉजी, मुर्गी पालन में भी टेक्नोलॉजी आती है क्या? तो आंसर है हाँ। अगर मान लो जो हम एग्स खाते हैं, आपको पता ही है कि एग्स जो है ओरिजिनल तो होते नहीं है, ओरिजिनल मतलब देसी तो होते नहीं है, उनको अलग तरीके से एक प्रोसेसिंग करके बनाया जाता, ठीक से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो मुर्गी होती है उनको इंजेक्ट किया जाता है और रिप्रोडक्शन दूसरे तरीके से, ज्यादा अंडे मिल जाते हैं इससे,
तो ये टेक्नोलॉजी यूज की, तो ये यहाँ पे यही होता है कि जो काम टेक्नोलॉजी से चल रहा है उसमें कुछ लेटेस्ट कोई चीज नहीं आई है तो वो लोग इसको ट्रांसफर कर देते हैं और स्मॉल बिजनेस को भी बता देते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आई है, आप इसका इस्तेमाल करो, इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट यूजिंग सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। अंडरस्टूड? यस सर। अब एक और ये जो असिस्टेंस, तो हमने तीन पढ़ लिए पहले, कौन कौन से पढ़े मैं एक बार आपको रिकॉल करके बता देता हूँ। एक तो हमने पढ़ा बेटा नाबार्ड, हमने पढ़ा कि नाबार्ड जो है 82 में आया था और इसका काम था उधार देना और मदद करना और काउंसलिंग और कंसल्टेंसी की भी सर्विसेज देते थे और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर बनाए गए, बेसिकली इसको स्पॉन्सर करता था नाबार्ड और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पूरे वर्ल्ड एसोसिएशन, मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल बिजनेस इसके अंतर्गत आता है और इसमें मैनेजमेंट की फैसिलिटी दिया जाता है क्योंकि आपको पता है स्मॉल बिजनेस में मैनेजमेंट होता नहीं अच्छा, तो ये लोग मदद करते हैं और टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं और ये लोग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं छोटे मोटे, जिसमें वर्कशॉप कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह कराते हैं। वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में समझाया जाता है बुला के, तो स्मॉल बिजनेस के जो ओनर्स वगैरह होते हैं या जो एम्प्लॉयज हैं कुछ जाते हैं वहाँ सीखते हैं कि नई नई चीजें कैसे बनाई जाती है क्या। फिर आता है एक नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन NSIC, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। NSIC को एस्टैब्लिश किया था सरकार ने, सेटअप किया था 1955 में। इसका काम है इंपोर्टेड मशीन को हायर परचेज बेसिस पे सप्लाई करना, किनको, स्मॉल इंडस्ट्रीज को। ये लोग रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करके भी देते हैं रॉ मटेरियल और ये एक्सपोर्ट करने में भी मदद करते हैं। इनका ध्यान रहता है खास करके स्मॉल इंडस्ट्री पे कि काम ठीक ठाक से चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर उनको लगता है कि कोई गड़बड़ है तो तुरंत उनको समझाते हैं, फिर अवेयर कराते हैं नई नई टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, और कई बार इनके पास कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ये ट्रांसफर भी कर देते हैं, उनको मदद कर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है पॉइंट। सर अगर स्मॉल बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाती है तो क्या इनको कुछ मिलेगा? किनको सर? ये जो असिस्टेंस प्रोवाइड करा नहीं, नहीं मिलेगा, ये तो सिर्फ मदद कर रहे हैं, ये सिर्फ मतलब देखो गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस है, ये एक आपको ना एक तरह से मदद की जा रही है, दैट्स इट। ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्टली, ये लोग सिर्फ मदद करते हैं। जैसे मान लो स्मॉल बिजनेस कह रही है यार हमें मशीन चाहिए, पता चला मशीन बहुत महंगी है, तो ये लोग बस इतना बोल देंगे ठीक है कोई बात नहीं, NSIC क्या करेगी, बस मशीन महंगी है कोई नहीं आप किस्त में ले लो, हमें पैसे आप आराम से देते रहना, इस तरह की मदद करते। टेक्नोलॉजी आ गई है ये बात उनको बता देंगे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आई है यूज करना तो कर लो, उनको ये बोल देते हैं हमारे पास कुछ नॉलेज है हम आपका वर्कशॉप करा देते हैं, वर्कशॉप करा के प्रोग्राम करा देंगे, उसमें जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं छोटे मोटे उनको बुलाया जाता है और वर्कशॉप होती है तो उनको समझाया जाता है कि ऐसे किया तो ऐसे किया, कई एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो देखो आज इतनी कमाई हो रही है उनकी, तो वर्कशॉप्स वगैरह इस तरह से कंडक्ट कर लेते, दैट्स इट। और अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गई, खत्म हो गई, तो वो बंद ही होती है फिर, आप तो जानते ही, ठीक है। यस सर। फिर आता है एक और असिस्टेंस, रूरल एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट कि इस तरह के ना विमेन्स के लिए करा जाता है कि आप देखो आज की डेट में इंडिया में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम है, आप देखोगे जगह जगह आप सुनोगे बिजनेस चल तो रही है लेकिन ज्यादातर देखोगे आदमियों ने स्टार्ट की है, मेल कैंडिडेट ने ज्यादा पार्टिसिपेशन किया है, जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं दे आर हाईली एबल्ड, बहुत अच्छे से उनको आता है लेकिन वो लोग हिचकिचाती हैं, उनको मतलब एक कल्चर नहीं है हमारे कंट्री में। तो ये क्या करता है रूरल एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये एक तरह से एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है और विमेन्स को एनकरेज करता है कि आइए आप भी बिजनेस शुरू कीजिए, आप भी कर सकती हो, ठीक है, ये एनहांस करता है। दूसरा पॉइंट देखो लिखा हुआ है कि टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। और तीसरा काम क्या करता है, ये ट्रेनिंग देता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स। जैसे मान लो आप लोग आगे चल के बाई चांस मान लीजिए आपके मन में आता है नहीं मैं बिजनेस शुरू करूंगी स्मॉल बिजनेस, और आप लोगों ने मतलब लगा दिए मान लो 80 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस, तो 80 लाख रुपए जब आपने लगा दिया तो आपको रूरल एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपको काफी मदद करेगा, आपको ट्रेनिंग दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको ट्रेनिंग देगा, आपको बताएगा कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे, तो आप उसको ओवरकम कर लोगे। अच्छा, ये साथ में ना एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज क्या होती है, जैसे
आप बिजनेस कर रही हो कर रही हो और कुछ इस तरह की सिचुएशन आने वाली है, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना की वजह से अब लगभग लॉकडाउन फिर से वैसी सिचुएशन आ रही है, तो ये क्या करेंगे, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो आप थोड़ा सा उसको अवेयर कर लो, एम्प्लॉय को थोड़ा सा डिस्टेंसिंग कर लो, 50-50 वो कर लो, जिससे कि आपकी बिजनेस एकदम बंद ना हो, है ना, आपको प्रॉब्लम ना आए, तो इस तरह से उनको एडवाइस करते रहे। एडवाइजरी में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की एडवाइस जो बिजनेस को टैकल करना पड़ सकता है फ्यूचर में प्रॉब्लम्स, उनको लेके ये लोग समझाते हैं। बात क्लियर हो गई सब स्टूडेंट्स को? Yes. फिर आता है एक और स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है दो स्लाइड बन गई है, ठीक है, एक और आता है फिफ्थ वाला, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या आता है, देखो ये जो कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती है ना, उनके लिए स्कीम्स होते हैं, फंड्स होते हैं, जैसे इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2005 में, जिससे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और प्रोडक्टिव हो सके, कम्पिटिटिव हो सके। अब आप कहेंगे सर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री क्या होती है, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो पहले जो इंडस्ट्री थी ना, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह इन सब, तो इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री, इसको किसने इम्प्लीमेंट किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके और इसको बनाया गया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको मदद करने के लिए, डेवलप करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, जिससे कि ये ज्यादा इनोवेटिव हो सके, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके, प्रॉफिटेबल ज्यादा हो, कमाए ज्यादा, ठीक है। तो आज की डेट में आप देखोगे बहुत सारे इस तरह के सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर में आप देखो ट्रेडिशनल खेती होती है ना गांव में, तो कैसे कैसे अलग अलग तरीके से खेती होती है। अगर आप देखो पहले कैसे खेती होती थी, मैंने सिंपल अगर भाषा में बोलूं, जैसे मान लो आपको आलू बोना है, तो पहले क्या होता था, आलू को जैसे लोग थोड़ा कुछ ना जो अच्छे क्वालिटी का जो आलू होते हैं उनको निकाल के रख लिया जाता है, और अभी सर्दियों के टाइम में ना सीजन में उनमें थोड़ा थोड़ा आप देखोगे थोड़ा सा वेट कंडीशंस में रखोगे ना, हल्का सा मॉइस्चरस कंडीशन में, तो उनकी वो निकलने लगते हैं, उनके आउटर लेयर पे ना तो वैसे निकलने लगते हैं वाइट वाइट कलर के, तो जहां जहां वो होता है उसको आलू को कई सारे कट पीस में कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको ले जाके जमीन में गाड़ देते हैं, और फिर उससे ही आलू निकलता है, और उसके नीचे एक अगर गाड़ोगे पीस तो उसमें कई सारे आलू निकलेंगे जमीन में। तो आजकल क्या हो गया, इसकी बीज बना दी है, अब इसमें भी आप देखो इसको प्रोसेसिंग करके और इसको सीड्स बना दिया जाता है, और वो ज्यादा यूजफुल है रेदर देन दिस, तो इस यही सब क्रिएट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाता है कि प्रॉफिटेबल हो। क्लियर है सबको, उनको सिखाया जाता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हो। किसी ने आलू बोया है कि नहीं, या मैं ऐसे ही समझाया जा रहा हूँ, अपनी क्लास में तो बच्चे सब ज्ञानी है ना, कितने बच्चों ने आलू बोया है या देखा है बोते हुए, हैंड रेज करना जरा, उस बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया क्या बताना चाह रहा है, किसी ने नहीं देखा, तो हैरानी हो रही है मुझे। चलो एक स्टूडेंट बचपन में ना, ठीक है, तो दिव्या कैसे बोते हैं उसको थोड़ा बताओ, क्या करते हैं, सीधा आलू जमीन में गाड़ देते हैं क्या, दिव्या बोल नहीं रही हो आप, बोलेगी कि सर मैंने तो बचपन में देखा था ना, भूल गई हूँ सर। बेसिकली देखो उसको कई कट पीसेस किए जाते हैं, ठीक है, तो एक आलू में कई सारी बीज हो जाती है। इसी तरह से अब प्याज में देखो, अब प्याज ऐसे थोड़ी ना है कि प्याज भी देखा होगा आपने घर में, कई बार प्याज में वो आने लग जाता है, मतलब उगने लगता है अपने आप ही घर में रखे रखे, तो प्याज की बीज अलग होती है, ठीक है, उसको मतलब अलग से वो मिलती है मार्केट में, और एक होती है ये वाली प्याज, ये अगर जमीन में गाड़ोगे तो दूसरे तरह से वो ग्रीन वाली जो प्याज आती है ना वो वाली मिलेगी इससे, तो अगर इसी प्याज को आप छोड़ दोगे तो इसमें बीज आती है बाद में, फूल वो निकलता है और उसमें से वो जो बीज आती है वाइट वाइट, उसमें के अंदर बहुत सारी बीज होती है, इसको रख लिया जाता है और इसी को बाद में छिड़क के और फिर उसकी वो होती है, ठीक है। चलिए हम कहाँ एग्रीकल्चर में पहुंच गए, कुल मिला के मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो किसान की खेती होती थी ना, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में काफी चेंजेस लाने की जरूरत है, तो उसी को ओवरकम करने के लिए इसको स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को लाया गया। और एक इम्पॉर्टेंट है DICs, देखो DICs भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्या है ये DICs,
डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स. इसमें क्या होता है, इसको एस्टैब्लिश किया था 1978 में और इसका काम था सपोर्ट करना स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सपोर्ट करने का काम करता था और ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता था जिससे कि स्मॉल बिजनेस अच्छा करे, मतलब ये फैसिलिटी देना सपोर्ट करना स्मॉल बिजनेस को. फिर इसका एक और काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल स्कीम्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स. ये आइडेंटिफाई करता था कि कौन कौन सी स्कीम कौन से एंटरप्रेन्योर के लिए अच्छा होगी. ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसे आइडेंटिफाई करती थी और स्कीम्स लाती हैं. तो ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स एक तरह से आइडेंटिफाई करने का काम करता है कि कौन सी स्कीम एंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट रहेगी. अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, ये क्या करता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाता है. ठीक है, एक बार मैं देखूं कितनी स्लाइड है हमारे पास. ठीक है स्टूडेंट्स, अगली क्लास कब लगने वाली है आपकी, कितना टाइम है? नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट पीरियड को कितने बजे स्टार्ट है, 10:20 पे है ना? यस ठीक है, तो इसको यही बंद करते हैं, थोड़ा सा रह गया अगली क्लास में से ठीक है, नहीं तो आपकी दूसरी क्लास में से नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे.